करे सस्ते वाला मसाज कराने का, तो यहाँ पे अपन ये थिएटर में साथ में मॉल को एंजॉय करें। मेरे साथ ना एक प्रैंक हो गया। प्रैंक क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ जल्दी। तो अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है, आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गया हूँ। अच्छा, वरना सैटरडे वाले दिन ना मैं थोड़ा सा लेट उठता होता हूँ। तो अभी क्योंकि आज काफी ज्यादा काम है, चल झूठा, तो अभी जो है काफी ज्यादा काम करने और अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया, तो अभी चलते हैं, पहले जाके नाश्ता करते हैं और उसके बाद देखने आज क्या क्या काम करने हैं। जो है ना मेरी अम्मी ने कुछ पौधे शौधे लगाए हुए हैं, ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा, अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पौधे थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो थे ना कुछ ख़राब भी हो गए हैं। तो है अभी चलते हैं नीचे और नीचे जाके नाश्ता करते हैं। और ये साइकिल मशीन है जो अरसा दराज पहले मैंने ख़रीदी थी, और अरसा दराज हो गया, मुझे याद भी नहीं है कि कब मैंने लास्ट टाइम जो है ना ये चलाई थी। शाबाश बेटा। अच्छा, ये नाश्ता जो है आ चुका है, और जो नाश्ता है वो ये है, सिरप क्वेकर और बॉयल्ड एग है, और चाय अभी आ रही है। तो अभी नाश्ता करते हैं और निकलते हैं जल्दी से। A few moments later. अच्छा जी, नाश्ता हो गया, अब जाने का टाइम है। अब जाने के लिए सबसे बड़ा जो है ना, एक सबसे बड़ा चैलेंज वो ये है कि नीचे जाके ना इसको पीछे करना है और पीछे से उसको निकालना है। तो पहले इसको बाहर निकालेंगे और फिर उसको निकालूंगा, तो ये थोड़ा सा चैलेंज है, चलें खैर करना है। अच्छा, जिस मकसद के लिए जाना है ना, वो मकसद ये है कि ये जो रिंग है इन पे थोड़े निशान है, इन निशान वगैरह सही कराने हैं। और सबसे मेन मकसद जो है ना वो ये शीशे का मसला है। ये शीशे के ऊपर ना काफ़ी छोटे डॉट डॉट्स पड़ गए हैं जो ना साफ नहीं हो रहे, ये नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे। तो इन डॉट्स की वजह से रात के टाइम जो है ना नज़र नहीं आता सही, और ड्राइविंग में ना काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। तो इसके ऊपर जाके ना बफ पाएंगे। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि जो बफ जो है ना किस जगह से फिरेगा। मैं फैसल टाउन जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई ना कोई शॉप मिल जाएगी जहाँ पे ना स्क्रीन क्लीनिंग या स्क्रीन बफ वगैरह जो होता है ना वो हो जाएगा, और उसके बाद फिर देखेंगे रिम्स का क्या हो सकता है। लेकिन रिम्स का इतना खैर इतना जरूरी काम नहीं है, ज्यादा काम ये शीशे का है, क्योंकि ये कि शाम के टाइम जो है ना जब लाइट्स वगैरह पड़ती हैं तो लाइट जो है ना काफी ज्यादा अब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो विजिबिलिटी में ना काफी ज्यादा इशू होता है। तो बफ वाला काम ज्यादा जरूरी है, तो रिम्स वाला काम हम देखेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, वरना फिर उसको बाद में फिर किसी टाइम देखेंगे। तो इनसे जाके पूछता हूँ, डिटेलिंग वगैरह की शॉप तो है इनकी, तो चले पूछते हैं इनसे जाके। A few moments later. अच्छा, मेरे साथ ना एक प्रैंक हो गया। प्रैंक क्या हो गया? जो मैं समझ रहा था ना कि डॉट्स जो है ना वो शायद स्क्रीन के अंदर कोई जाली सी बन गई है, तो उसकी वजह से, तो शायद मुझे बफ पकवाना पड़ेगा। तो रैंडमली अभी मुझे रास्ते में शॉप नजर आई जहाँ से मैंने पहले भी काफी दफा ना थोड़ा बहुत काम करवाया हुआ, तो मैंने उस भाई को कहा कि यार ये डॉट्स हैं। तो खैर उसने देखा दुखा, उसने अंदर से कपड़ा मारा तो वो डॉट्स साफ हो गए। तो फिर मुझे याद आया कि लास्ट टाइम ना मैंने कोई लास्ट वीक में ना डैशबोर्ड पे ना एक ऑल पर्पज क्लीनर मैंने लिया हुआ है, उसके से साफ किया था, वो स्प्रे टाइप है, वो स्प्रे मैंने डैशबोर्ड पे मारा, तो मेरा ख्याल है वो डॉट जो है ना स्क्रीन पे भी लग गए हैं। तो खैर वो जो टॉर्च थे ना वो लिक्विड था, तो उसने कपड़े से साफ किया तो साफ हो गया। तो चलिए अच्छी बात है, बचत हो गई है, ये तो हो गया। अच्छा, इस भाई से एक इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि ना मजांग में है कुछ लोग जो रिम जो है ना रिपेयर करते हैं, क्योंकि अभी ये काम काफी जल्दी से हो गया, तो अभी फौरन से चलते हैं मजांग और वहां से जाके ना देखते हैं कि रिम वगैरह का कुछ हो सकता है कि नहीं, अगर आज ही हो सकता है तो फिर अभी करवा लेते हैं। अच्छा जी, मजांग में पहुंच चुका हूँ, अब यहाँ पे काफी ज्यादा वर्कशॉप्स हैं, तो किसी एक वर्कशॉप में
रुके पूछते हैं क्या सीन है। A few moments later. चलिए यहाँ पे तो बात नहीं बनी क्योंकि वो कह रहा है कि आप गाड़ी दे जाओ। गाड़ी देने का मतलब ये कि गाड़ी खड़ी कर जो, क्योंकि वो रिम वगैरह उतारेगा तो गाड़ी तो चल नहीं सकेगी। तो अभी ये कि मुझे लग नहीं रहा कि आज कुछ हो सकेगा, तो अभी वापस चलते हैं। अभी मैंने बाजार भी जाना है, एक शर्ट बाय करनी है। तो मेरा ख्याल है 11 बज गए हैं, शॉप्स वगैरह ओपन हो चुकी होंगी। किसी A few moments later. गुलबर्ग मैं पहुंच चुका हूँ, कलमा चौक के पास हूँ। और ये कलमा चौक का जब से अंडर पास बनना शुरू हुआ है ना, तो उसके बाद से मैं फर्स्ट टाइम इस साइड पे जा रहा हूँ। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या ट्रैफिक की सूरत हाल है। वैसे ओपन तो हो गया हुआ है, दो तीन दिन पहले जो है ना ये ओपन हो गया था। तो अभी देखते हैं ये कंप्लीट हुआ है या इन्होंने पार्शियली जस्ट ओपन कर दिया। अच्छा वैसे काम शाम अभी चल रहा है। ये देखिए अभी जो है कंस्ट्रक्शन वर्क तो अभी सारा हो रहा है। अभी मेरा ख्याल है जस्ट PSL की वजह से ना उन्होंने PSL मैचेस कुछ लाहौर में हो रहे हैं और PSL की वजह से ना उन्होंने अभी इसको पार्शियली ऑन किया है, ताकि क्योंकि अभी क्या हो रहा था कि जब कलमा चौक बंद था ना, तो सारी ट्रैफिक जो थी कज़ाफी के अंदर से गुजर रही थी, यानी नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर से गुजर रही। अच्छा वैसे मैंने आपको एक न्यूज़ तो दी रही, क्योंकि लाहौर में PSL मैचेस हो रहे हैं और मैचेस होने की वजह से क्या हुआ है, नेशनल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को ना इन्होंने कम्प्लीटली बंद किया हुआ है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। और क्योंकि मेरा स्विमिंग पूल और जिम उसी में आता है, तो एक महीने के लिए जो है ना वो सारी एक्टिविटीज बंद हो गई हैं। मैं पहले भी वैसे काफ़ी अरसे से जिम स्विमिंग नहीं कर रहा था, लेकिन जिम स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने दो दिन स्विमिंग भी की है, मैं वापस स्टार्ट कर रहा था, लेकिन अभी ये फिर हो गया है। और अभी ये PSL जब ख़त्म होगा तब भी ओपन होगा, और PSL ख़त्म हो रहा है 19 तारीख को ख़त्म होगा। और फिर उसके साथ ही रमज़ान है, रमज़ान में फिर टाइम तो नहीं मिलेगा स्विमिंग करने का, जिम का भी। सही बात है। तो ऑलमोस्ट ही फिर 2 महीने के लिए ना ऑफ होने जा रहा है। तो खैर यहाँ पे ट्रैफिक जो है यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक है, सही चल रही है, स्मूथ चल रही है, कोई रश वगैरह नहीं मिला। तो मुझे जाना है मुझे जिनवा मॉल में जाना है। जिनवा मॉल में रॉयल टैग की शॉप है, तो वहाँ पे लास्ट टाइम पे मुझे जो था ना साइज, क्योंकि साइज वगैरह का काफ़ी इशू होता है, तो मुझे वो जिनवा मॉल में रॉयल टैग से लास्ट टाइम साइज मिला था, बिल्कुल फिट आया था। तो जिनवा मॉल में चलता हूँ। अच्छा जी, जिनवा मॉल में पहुँच चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चला है कि मॉल जो है ना अभी देखे क्लोज है, और अभी सफाइयाँ चल रही हैं, और ये कोई 12 के राउंड जो है ना ओपन होगा, और अभी इस टाइम हो रहे हैं 11 बज रहे हैं। A few moments later. इस वाली गुलबर्ग आउटलेट पे आ चुका हूँ, और लकीली ये ओपन है, सो चलते हैं यहाँ पे और शर्ट लेके निकलते हैं, जल्दी ये काम भी हो जाएगा। अच्छा शर्ट जो है फिलहाल नहीं ली, तो अभी जो है अम्मी का फोन आया कि चिकन लेके आना है, तो अभी चलते हैं चिकन लेके आते हैं। अच्छा चिकन लेने से पहले जो है ना ATM जाना है, सो पहले ATM ढूंढते हैं। जी यहाँ पे एक इस्लामिक बैंक की ATM मिल गई है, शुक्र है पास ही मिल गई है, वरना जो दूसरी ATM है ना वो रोड के उस साइड पे है, एक छोटी सी टिप है। जब भी आपने ATM में आना है ना, तो सबसे पहले क्या करना है आपने ना दरवाजे को ना लॉक कर लेना, तो ये काफी ज्यादा जरूरी होता है। बहुत तेज हो रहा है। उसके बाद फिर आप स्कूल से खड़े होते हैं, यहाँ से पैसे निकलवाए। तो भाई जान गोश कितने का कितना है? वो 639 रुपए। साफी कितने का है? साफी 720 है। ऐसा कहें कि 3 किलो कर दो साफी। हाँ लेकिन मुर्गी जो है ना वो 1.5 किलो से बड़ी नहीं करनी। 1.5 किलो बहुत बड़ी है। हाँ मतलब छोटी कर दें, बड़ी नहीं करनी। 1.25 किलो 1.5 किलो वाली मुर्गी करनी है, और गोश सही तरह बेहतर तरीके से साफ करना है। A few moments later. अच्छा ये गोश्त वगैरह तो ले लिया, अब जो है थोड़ी सब्जी लेनी है, तो ये सब्जियों की दुकानें भी है यहाँ पे, तो अदरक शदरक लेना है तो वो यहाँ से लेते हैं। तो जी सब्जी भी ले ली है,
और अब चलते हैं घर को और रास्ते में देखते हैं कि अगर स्टेशन के पास कोई जो है ना स्टेशन के पास जो है कोई व्हील वाले का पता करते हैं और क्योंकि सीन शीन हुआ तो रुकेंगे वरना सीधा घर चलेंगे। A few moments later. अच्छा मैं स्टेशन के पास आ चुका हूँ, लाहौर रेलवे स्टेशन। अच्छा यहाँ पे ये जो गद्दे वगैरह आपको पड़े नजर आ रहे हैं ना, तो अगर आपने कभी फ्री में सस्ता वाला अच्छा वाला मसाज करवाना हो ना, तो रात के टाइम ना यहाँ पे गद्दे वगैरह बिछा के फुटपाथ के ऊपर तो वो मसाज कर रहे होते हैं। तो अगर आपका कभी दिल करे सस्ते वाला मसाज कराने का तो यहाँ पे ओपन एयर थिएटर में साथ में मॉल को एंजॉय करें और साथ में मसाज कराएं और वो भी सस्ते में। चलिए यहाँ पे स्टेशन पे एक शॉप मिली है, एक लड़का आया है पूछने गया है कि क्या साता है। मतलब सही ओरिजिनल हो जाए, इसी कलर में, इसी कलर में हो जाएगा तो कितनी देर लगेगी ये? आप ऐसे करें गाड़ी लगाए स्टपियां लगा देंगे आपको। अच्छा गाड़ी आपकी अभी चला देंगे, आप जाएं काम करें। अच्छा एक दो दिन बाद आगे लोग ये उतार लेंगे, टायर आपके चढ़ा देंगे। हाँ ठीक है, हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। ये आप गाड़ी ऐसे करें, चलिए अभी नहीं मैं फिर आपको ना क्या कहते हैं शाम में आ जाओ, जब अभी 5 मिनट में गाड़ी फारे कर देनी, अभी फिर मेरा पड़ेगा पेट्रोल थोड़ा खास इधर। चलिए ठीक है फिर आप कर, मैं लगाता हूँ साइड में गाड़ी लगाए। ठीक है दे दी है, और जो मैं चाह रहा था कि टायर चेंज हो जाएं और वो जो है मुझे अपने स्पेयर अलॉय व्हील्स दे दें ताकि मेरा भी काम चलता रहे और पेंट वगैरह भी हो जाए, तो वैसा ही हुआ है। उन्होंने अपने स्पेयर व्हील्स मुझे दे दिए हैं और मेरे जो अलॉय व्हील्स थे वो उतार के रख लिए हैं, तो अब इंशाल्लाह 2-3 दिन में जो है पेंट होके मिल जाएंगे। तो अभी जो है अभी घर जा रहा हूँ, काफ़ी घर से फ़ोन आ चुके हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका हूँ और मैं काफ़ी तकरीबन अभी 2:30 बज रहे हैं और सारा दिन ऑलमोस्ट बाहर ही गुजरा, तो अभी चलते हैं घर। A few hours later. घर आने के बाद मैंने दोपहर का खाना खाया था और खाना खाने के बाद मैं कहीं भी नहीं गया और फुल टाइम फिर घर पे ही था क्योंकि शाम को कुछ गेस्ट वगैरह नहीं आना था, तो गेस्ट वगैरह चले गए थे और अभी फिर मैं सोने लगा था तो मुझे याद आया कि मैंने इस ब्लॉग को एंड नहीं किया। तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।